कर्मठ हमारे जो है अपने इलाके का अख्तरुल ईमान साहब हैं, जो उनका जो है असदुद्दीन साहब का जो है वो साख हैं। असदुद्दीन साहब जैसे पार्टी का आदमी हम लोगों को यहाँ खास करके किशनगंज में ज़रूरत है। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में है, अभी हम बहादुरगंज में हैं और आम लोगों से जानना चाहेंगे कि मिशन 2019 में किस तरह का बदलाव चाहते हैं किशनगंज में, आइए हम जानते हैं बुजुर्ग से। आपका क्या राय है इस बार कि किशनगंज का जो विकास कर सकता है? वो नेता तो है, ऐसी बात नहीं है कि अब्दुल ईमान तो बढ़िया नेता है, नेता के कोई इसका कोई खिलाफ नहीं, लेकिन अब यहाँ पब्लिक समझे बुझिए तब ना इस बात को। ये साहब कह रहे हैं कि अब्दुल ईमान साहब एक बेहतर उम्मीदवार के रूप में यहाँ किशनगंज से हैं और उनको मौका देना चाहिए इस बार। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं? कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ के जो पहले से जो हमारे यहाँ के जो पहले के नेता हैं मौलाना साहब हैं, आज तक कुछ काम नहीं किया है रोडों का। अब हम कैसे कहेंगे कौन ज़्यादा काम करेगा नहीं करेगा? नहीं तो आप तो दोनों बात बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन आपका जहन क्या काम कर रहा है, कौन कर सकता है आपका? अगर इस बार तो ध्यान ज़्यादा है मतलब अवैसी का पार्टी की तरफ, ठीक है ना। उसका कैंडिडेट को जानते हैं क्या नाम है? हाँ, उसका नाम तो इतना मतलब याद है मगर इतना जहन में नहीं है अभी। अख्तरुल ईमान है, ठीक है। उसका चेहरा भी पहचानते हैं अच्छी तरीके से हम। उसका कौन सा छाप है? तो उसका पतंग छाप होगा, पतंग छाप। जैसे कि इधर का रोड का हालत थोड़ा ख़राब है, अगर मौलाना अच्छा ना होता तो बहुत नहीं होता, हमको यही सुविधा चाहिए। क्या रोड का हालत ख़राब है और मौलाना अगर इसमें नहीं आता तो बहुत बढ़िया होता। और आपका कहना है कि इस बार मौलाना साहब नहीं आए तो अच्छा है? हाँ। किसको आप पसंद करते हैं फिर? हम पसंद करते हैं अख्तरुल ईमान। अच्छा, आप कौन सा ब्लॉक से हैं? बाद में ब्लॉक से। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, आप किसान हैं। किसान आप, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ कुछ। क्या विकास चाहते हैं आप? रोड उठ का बारे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चाहते हैं कि अगर आज तक हमारे जितने भी कैंडिडेट आए किसी भी पार्टी के हो, वो आए लोगों को मतलब एक कम्युनिटी पर लेकर ये हम ऐसे हैं वैसे काम करके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा आज तक कुछ नहीं किया, ठीक है। जो हमारे तबका जो पिछला है वो पिछला रह गया, ठीक है। हम एक ऐसी पार्टी को लाना चाहते हैं जो सेकुलर हो, सबको लेकर चले, जो पिछला जो मतलब जी भी किसी भी इसके पार्टी जो लोग नीचे तबके के हैं उनका तरक्की हो, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उसको एजुकेशन में कैसे लाया जाए। ऐसे एक हमको समझिए कि मैं भी एक छोटा गरीब सा परिवार लड़का हूँ और मैं पढ़ के TET क्वालिफाई किए हैं, फिर भी मेरा हमें नौकरी नहीं लगी है, ठीक है। जबकि हम टीचर के सारे मतलब एलिजिबल हैं, बनने के लायक हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी बेरोज़गारी पूरा छाए हुए हैं। हम एक ऐसी पार्टी को लाना चाहेंगे कि जो मतलब हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ सके और बोल सके। और अब बता पाएंगे कौन सी पार्टी है? इस पार्टी के तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के तारीख में हमारे अब्दुल ईमान साहब बहुत अच्छे एक बोलबाला नेता हैं और इंशाल्लाह कि वो आएंगे तो हमारे किसान की तरक्की और सीमांचल की तरक्की करेंगे। आप कौन सा प्रखंड से? जी मैं महमूद सद्दाम हुसैन, दसिया टोली पंचायत बहादुरगंज किसान। थैंक यू। चाहते हैं हम लोग को यही चाहिए कि रोड वोड नहीं बन रहा है, जल्दी रोड सब खराब हो रहा है और काम नाम नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है कुछ भी, फ्री बैठे नौजवान लोग और घर घर में शुद्ध पानी के लिए पानी नल नहीं है, बिजली का कनेक्शन हो गया, पानी का कनेक्शन हुआ नहीं है। तो इस बार किस नेता को चुनिएगा, किस तरह के नेता को? देखे अख्तरुल ईमान साहब को चुन रहे हम लोग और वो बेसिक का पार्टी है। दो नेता है, एक आप, नेता आपका आप क्या करते हैं? हम लोग तो बाहर रहते हैं, पढ़े बाहर रहते हैं, गाँव में भी आए हैं। अच्छा, आपका प्रखंड कौन सा है? प्रखंड बहादुरगंज। नाम क्या हुआ? मुश्किल आलम।